अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 8 फिर सब्जेक्ट फिजिक्स। आई एम योर टीचर फरा सिद्दीकी। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे आपके पास, और लेक्चर नंबर 5 आपके पास है, लेक्चर नंबर 5 आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन, जो कि आपके पास पेज नंबर 9 पर है। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके स्टेप्स, इसकी डेफिनेशन, और देन इससे रिलेटेड जितने हमारे एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स होंगी वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी इजीली रिटन इन डेसिमल फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन आपके पास नंबर्स को लिखने का तरीका है। किन नंबर्स को? जो नंबर्स आपके पास या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, उनको इजीली, आसानी से हम उनको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे कि आपके पास मास ऑफ मून, आपके पास जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। आपके पास डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस या डायमीटर ऑफ एटम जो है वो आपके पास बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को याद रखना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर जब अगर आप लिख रहे हैं या उसे याद कर रहे हैं, तो वो अगर एक ज़ीरो भी आपका कम या ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास वो वैल्यू रॉन्ग हो जाती है। तो फिर उन वैल्यूज़ को जो कि बहुत बड़ी हैं या फिर जो बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं, उनको लिखने का हमें एक साइंटिफिक तरीका मिला, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? नंबर कैपिटल एन, मतलब जो हमें गिवन नंबर होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मेंटिसा आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को कहते हैं, मतलब जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसको हम मेंटिसा कहते हैं। इनटू 10 एक्सपोनेंट, ये जो आपके पास पावर है ये फिर आपके पास एक्सपोनेंट उसमें आता है। ये पावर आपके पास क्या आता है? आप डेसिमल को मूव करते हो फिर आपके पास ये एक्सपोनेंट बनता है। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा इनटू 10 रेज टू पावर एन। एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास एग्जांपल है मास ऑफ मून हम ले लेते हैं। मास ऑफ मून देखिए, आपके पास 7000000, कितनी बिग वैल्यू है कि इन के जी, ठीक है। अब इस मास ऑफ मून को मुझे बोलने में भी मसला हो रहा है, लिखने में भी अगर कोई एक ज़ीरो मुझसे मिसप्लेस हो गया तो आपके पास वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स वाई हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में मास ऑफ मून जो कि आपके पास एन नंबर हो गया जो कि हमें गिवन था, ठीक है। अब आपके पास मेंटिसा आपने बनाना है, तो मेंटिसा मैंने आपसे कहा था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये जो 7 है आपके पास, दिस इज़ योर मेंटिसा। तो ये मैं यहाँ पे 7 लिख लूँगी। अब इस डेसिमल को मैंने मूव करना है, ये आपके पास डेसिमल है, इस डेसिमल को मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है। तो मैं इस डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ पर, मैं ये एरो यहाँ पे लगाया है कि ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। अब कितने डिजिट्स ये मूव हुआ है वो आपके पास पावर ऑफ 10 की वैल्यू बनेगी। तो आपके पास ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आपके पास देखिए 22 डिजिट्स आपके पास ये डेसिमल जो है वो मूव हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर मैं 7.0 इंटू 10^22, जितना आपके पास डेसिमल मूव हुआ है वो आपके पास इसकी पावर ऑफ 10 आ जाएगी। अब आपके पास ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो आपके पास ये देखिए, मैंने राइट से डेसिमल मूव किया है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो ये आपके पास पावर ऑफ 10 क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की,
उसकी वैल्यू 0.00000001 मीटर। अब कितनी आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये, इसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको हम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप इसी नंबर को दोबारा लिखकर मल्टीप्लाई 10, मतलब कि ये आपका एन हो गया, ये आपका एम मेंटिसा हो गया, इंटू 10^n। तो जो आपका यूनिट होगा वो आप यहाँ पे इसके साथ यूनिट लिख लें। अब पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करूँगी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो आपके वन के बाद अब आपके पास पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ एरो लगाया और देखिए कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए मैंने लिखा 1.0 × 10^14। माइनस मैंने साइन क्यों साथ लगाया है, क्योंकि देखिए अब आपके पास डेसिमल जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, तो आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में आएगी। तो 1 × 10^-14 मीटर। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। चलें बुक रीडिंग कर लेते हैं। मैंने लेक्चर आपको दे दिया है, आपको समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा बुक रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 9 ओपन कर लें और अपने पास हाइलाइटर ले लें। देखिए आपके पास लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी ईजीली रिटन इन डेसीमल फॉर्म। तो ये आपकी बेटा डेफिनेशन आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग दे दें और इस पूरी लाइन को हाईलाइट कर लें विद योर हाईलाइटर या अंडरलाइन कर लें विद योर पेंसिल, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको मैंशन हुई हुई है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स that are too big or too small to be easily written in decimal form. Standard form or scientific notation has a number of useful properties and is commonly used by scientists, mathematicians and engineers. कौन कौन use करता है? Scientists ज़्यादातर use करते हैं क्योंकि उन्हीं को ही ज़्यादा problem होती है। Mathematicians use करते हैं, वहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी values होती हैं या बहुत smallest values use की जाती हैं, और engineers standard form को ज़्यादातर follow करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप जाएं, पेज टर्न करें तो आपके पास नेक्स्ट पेज पे स्टेप्स लिखे हुए, स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले जब आप स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगी तो आप किसी भी नंबर को इजीली खुद चेंज कर सकेंगी। नंबर वन आपके पास है, इन अ गिवन नंबर मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आपने नंबर, जो भी आपको गिवन नंबर एन है, उसके डेसिमल को आपने मूव करना है और कहाँ पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा, आपका मेंटिसा बन जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द डेसिमल इज मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर डेसिमल मूव हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजिशन, आपकी इनिशियल पोजिशन से, देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। तो आपके पास पावर ऑफ 10 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड वट एवर इज द नंबर ऑफ डिजिट थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऑफ 10। जितने भी डिजिट्स वो मूव हो रहा है उस नंबर के लिहाज से, वो उसकी पावर ऑफ 10 बन जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी इनिशियल पोजिशन से लेफ्ट की तरफ गया है तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या, सिमिलरली इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स राइट, अगर वो राइट की तरफ गया है फ्रॉम इट्स इनिशियल गिवन पोजीशन, देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। फिर पावर ऑफ 10 क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एंड वट एवर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऑफ 10। जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट्स वो शिफ्ट हो रहा है, वो उसकी पावर ऑफ 10 बन जाएगी। आपको अगर स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको जितना भी बिग नंबर मिल जाए, जितना भी स्मॉल नंबर मिल जाए, जैसी भी वैल्यू आपको मिल जाए, आप इजीली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर में भी करवा चुकी हूँ, यहाँ भी आप देख लें, इन फिजिक्स वी डील विद द नंबर्स दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। हम फिजिक्स में भी बहुत स्मॉल वैल्यूज़ या बहुत लार्ज वैल्यूज़ के साथ डीलिंग करते हैं। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू राइट दीज नंबर्स, तो हमारे लिए थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाता है लिखना। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस किलोग्राम्स। इफ़ वी यूज़ द नंबर ऑफन वी वुड श्योरली लाइक टू हैव मोर कम्पैक्ट नोटेशन फॉर इट। दिस इज एग्जैक्टली वट स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन इज। इट रिप्रजेंट्स अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टेन कॉल द मेंटिसा। अब मेंटिसा आपके पास क्या है, इन्होंने एक और कंडीशन मेंटिसा की लगा दी कि आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर है लेकिन क्या है, ग्रेटर देन वन है एंड लेस देन टेन है। तो आपके पास मेंटिसा 10 से उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है और 1 से हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है मेंटिसा की। तो आपको फिर यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि जब आप मेंटिसा देख रहे हैं कि आपके पास मेंटिसा क्या है, तो आपने ये याद रखना है कि मेंटिसा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और आपके पास 10 से कम होती है। एंड पावर ऑफ 10 टर्म्ड एज एक्सपोनेंट, और फिर पावर ऑफ 10 आपके पास, मतलब नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा इंटू 10 इज टू पावर एक्सपोनेंट, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। फिर उन्होंने कहा द मास ऑफ मून कैन दस बी रिटन कम्पैक्टली एज 7 इंटू 10 इज पावर 22 kg। फिर इस फॉर्म में जब साइंटिफिक फॉर्म में हमने चेंज किया तो आपके पास मास ऑफ मून क्या बना, 7 इंटू 10 इज पावर 22 kg, बट 7 इज द मेंटिसा एंड 22 इज द एक्सपोनेंट। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ अटोमिक न्यूक्लियस इज अबाउट दिस मीटर, विच इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज 1 इंटू 10 इज पावर माइनस 14 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं अभी हम वो कर लेते हैं। चलिए, आपके पास पेज नंबर 10 पर आपके पास एग्जाम्पल 1.1 है, Average distance between Earth and Moon. Average distance between Earth and Moon is 384,400,000 meter. ठीक है, राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसके लिए देखिए आपको एक प्रॉपर वे लिखा है, आप इसको अच्छे से समझें और इसी तरह फिर आपने असाइनमेंट्स, एक्सटेंशंस और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं आपने इसी प्रॉपर वे पे ही काम करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन वी कैन राइट द टर्म एज, आपने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के फार्मूले में जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी उसी तरह आपने लिखना है। डिस्टेंस गिवन है तो आपने नंबर की जगह डिस्टेंस लिखना है, इज इक्वल टू आपने पूरा आपको जो वैल्यू गिवन थी। अब इस वाली वैल्यू में पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट के बाद है, तो इस लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट हमने लिखकर और जीरो लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 0 मीटर, आपने इसी तरह ही इसको लिखना है। फिर आपने लिखना है फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन इन ऑर्डर टू गेट मेंटिसा। अब हमने मेंटिसा लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इन विच द फर्स्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल इज नॉन जीरो। तो आपने अपने फर्स्ट डिजिट को नॉन जीरो रखना है, नॉन जीरो मतलब के जीरो के अलावा कोई नंबर। We have to move the decimal 8 digits towards left. That's why हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम मूव कर देंगे, इस डेसिमल को हम मूव करेंगे टूवर्ड्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो कि आपके पास क्या है, 3 है। 3 के बाद आपके पास ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। वी हैव टू मूव द डेसिमल 8 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, और कहाँ से, ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो आप देखिए कितने डिजिट्स मूव हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपके पास therefore the power of 10 will be positive 8, क्योंकि right से left की तरफ गया है, तो इसलिए आपके पास जो power आएगी वो positive 8 आएगी। तो आपके पास आया 3.844। अगर आप ये zeros लिखना चाहती हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहती तब भी आपके पास आंसर ठीक है, जो 10 इज पावर 8 मीटर, मतलब कि आप इसको इस तरह भी लिख सकती हैं, 3.844 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर, ये भी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। क्लियर होगी आपको ये एग्जांपल। इसी तरह आपके पास जो असाइनमेंट्स हैं और आपकी जो
एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं या कोई भी आपके आगे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको ये फुल पैराग्राफ वहाँ पर मेंशन करना होगा। चलेंगे जिसके साथ एक्सटेंशन एक्सरसाइज है ये भी देख लेते हैं, ये इसी एग्जांपल के साथ ही रिलेट कर रही है, दैट्स व्हाई मैं आपको यहीं पे करवा रही हूँ। व्हाई वी यूज द वर्ड एवरेज इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ पे देखें लिखा है ना एवरेज डिस्टेंस, तो कहते हैं इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इन्होंने एवरेज का वर्ड क्यों यूज़ किया है। तो देखिए कहाँ यूज़ किया है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, मतलब कि चांद और ज़मीन के दरमियान का जो आपके पास डिस्टेंस है वो इन्होंने कहा है कि एवरेज इतना है। ये इसलिए कहा है क्योंकि आपके पास जो अर्थ जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द सन, तो ये जो इसका जो ऑर्बिट है ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो पूरा सर्कल नहीं है, तो ये आपके पास इसका डिस्टेंस जो है ना वो वेरी करता रहता है। ठीक है, ये पूरे ऑर्बिट में जब मूव कर रहा होता है तो इसका डिस्टेंस वेरी करता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर जो है जो लव्स है वो एवरेज यूज़ करते हैं कि एवरेज आपके पास इसका डिस्टेंस इतना है। क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट आपके पास देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11 पर आपके पास जो है असाइनमेंट आपको गिवन है मैस ऑफ अर्थ, द मैस ऑफ अर्थ इज दिस केजी, राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो जिस तरह आपको एग्जांपल मैंने समझाई है उसी तरह आपने सोल्यूशन की हेडिंग देकर फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन लिखकर आपने बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह ही लिखना है, और आपके पास जो है ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, तो ये आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब कि 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आप देखें ये कितने डिजिट्स मूव किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.98 × 10^24 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट गया है, तो आपके पास ये प्लस 24 kg आपके पास इस असाइनमेंट का आंसर होगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए इसी पेज नंबर 11 पे आपके पास एग्जांपल 1.2 है, नंबर्स ऑफ सेकंड्स इन एन एयर, फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन एन इन एयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इन्होंने कहा कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, पहले आप वो फाइंड करें, देन आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर दें। तो आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, वी नो दैट देर आर 365 डेज, हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज इन अ ईयर, 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 60 मिनट्स इन एन आवर, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, एंड 60 सेकंड्स इन अ मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं आपके पास। These four relationships are conversion factors. ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो four relationships हमने लिखे हैं mention किए हैं ये आपके पास आपके conversion factor में use होंगे। Starting with one year, हम कहाँ से start करेंगे, one year से start करेंगे and multiplying by these conversion factors, और हम इसको साथ साथ convert करते जाएंगे multiply करते जाएंगे। One year is equal to one year, तो one year multiply, एक साल में कितने दिन है, 365 days, फिर एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 hours, फिर एक घंटे में कितने minutes हैं, 60 minutes, फिर एक मिनट में कितने seconds हैं, 60 seconds, फिर आपके पास देखें ये one year से कट गया, day day से cancel out हो गया, आर आर से कैंसिल आउट हो गया, मिनट मिनट से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास क्या बच गया, वन ईयर इज इक्वल टू 1 × 365 × 24 × 60 × 60 seconds। तो हमने कन्वर्ट किस में करना था, सेकेंड्स में, तो हमारे पास ये आ गया। इनको सिंपली आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 3153600 seconds। अब इन्होंने हमें सेकंड क्या कहा था कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, तो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन वी कैन राइट द टर्म एज, जिस तरह आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन थी आप उसी तरह मल्टीप्लाई 10^0 सेकंड करेंगी, आप इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मींस 3 के बाद पुट करेंगी इन ऑर्डर टू गेट मेंडिसा इन विच द फर्स्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल इज नॉन जीरो, वी हैव टू मूव द डेसिमल 7 डिजिट्स, कितने डिजिट्स मूव हो रहे हैं, 7 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, किस तरफ, लेफ्ट साइड पे, देयरफॉर द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव 7, इसलिए आपके पास पावर ऑफ 10 क्या आई, पॉजिटिव 7। तो वन ईयर में कितने
सेकेंड्स हैं 3.1536000 इंटू 10^7 सेकेंड्स. तो आप इसको इस तरह भी कह सकती हैं 3.1536 इंटू 10^7 सेकेंड्स. ये आपका एग्जाम्पल होगी 1.2. इसी एग्जाम्पल की तरह ही आपके पास आपकी असाइनमेंट है, जो कि क्या है, असाइनमेंट 1.2. तो असाइनमेंट 1.2 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक, एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन. सेम यही मेथड यूज करके आपने इन अ सेकेंड्स आपने फाइंड करने हैं एक हफ्ते में कितने सेकेंड्स होते हैं. तो मैंने ये आप लोगों के लिए सॉल्व भी कर दिया है. तो उसी तरह जिस तरह आपकी एग्जाम्पल 1.2 थी, सेम उसी तरह असाइनमेंट मैंने लिखा है कि वी नो दैट देर आर 7 डेज इन अ वीक, 24 आवर्स इन अ डे, 60 मिनट्स इन एन आवर एंड 60 सेकेंड्स इन अ मिनट. तो ये आपके पास जो कन्वर्जन है, ये 4 रिलेशनशिप आप कन्वर्जन फैक्टर के लिए यूज़ करेंगी. तो देखिए, 1 week इज इक्वल टू 1 week मल्टीप्लाई 7 डेज इन अ वीक, 24 आवर्स इन अ डे, 60 मिनट्स इन एन आवर एंड 60 सेकेंड्स इन अ मिनट. आपके पास वीक से कैंसिल, डे से कैंसिल, मिनट से आवर से कैंसिल हो गया. तो आपके पास बचा 1 × 7 × 24 × 60 × 60 सेकेंड्स. मल्टीप्लीकेशन करेंगी तो 1 week इज इक्वल टू 6048000 सेकेंड्स. आपके पास ये इसका आंसर आ गया कि एक हफ्ते में इतने सेकेंड्स होते हैं. इसी का बी पार्ट आपके पास क्या था कि इसी आंसर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें. तो आपके पास 1 week इज इक्वल टू 6048000 × 10^0 सेकेंड मैंने लिखा. इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया टू वर्ड्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो आपके पास पॉइंट में यहां से शिफ्ट करूंगी इस तरफ. किस तरफ, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5. तो मैंने लिखा 6.04 × 10^5 सेकेंड्स. अब फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ था, तो आपके पास इसकी जो पावर ऑफ 10 की वैल्यू है वो पॉजिटिव 5 आएगी. तो दिस इज योर आंसर जो कि आपके पास आपके असाइनमेंट का है कि 1 week में 6.04 × 10^5 सेकेंड्स आपके पास है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल 1.3 स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल. द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज द डायटोमिक हाइड्रोजन H2 विद अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 0.00000000074 मीटर. राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये आपके पास सॉल्व हुई हुई है, हम यहीं बुक पे इसको देख लेते हैं. नेक्स्ट पेज पर आप जाएं, पेज टर्न करें, तो आपके पास सोल्यूशन आपका पूरा इस एग्जांपल 1.3 का सॉल्व हुआ है. इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन वी कैन राइट दिस बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू × 10^0 मीटर. फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन इन ऑर्डर टू गेट मेंटिसा कैसे हम हासिल करते हैं, इन विच द फर्स्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल इज नॉन जीरो. डेसिमल से पहले का जो डिजिट है वो आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए. वी हैव टू मूव द डेसिमल 11 डिजिट्स टू द राइट. तो आपके पास ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ से पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि आपके पास 7 है. तो 7 के बाद आपके पास पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. और कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिजिट्स आपके पास जो है वो शिफ्ट हुआ है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, तो पावर ऑफ 10 क्या हो जाएगी, 10 विल बी -11. तो बॉन्ड लेंथ आपके पास 7.4 × 10^-11 मीटर होगी, विच इज द बॉन्ड लेंथ फॉर डायटोमिक हाइड्रोजन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन. नाउ कम्स टू असाइनमेंट 1.3 जो कि इसी से ही आपके पास रिलेट करिए. अडल्ट हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका इज हैविंग अ मैस ऑफ ओनली अबाउट 0.0000214 kg. एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन. मैंने सॉल्व नहीं की क्योंकि सेम इसी तरह एग्जाम्पल की तरह है. तो सिंपल आप इस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगी टू वर्ड्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि आपके पास 2 है. कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1, 2, 3, 4. तो 2.14 × 10^2 2.14 × 10^-4
केजी आपके पास इसका आंसर आएगा। तो काइंडली बेटा ये आप खुद रफ कॉपीज में करने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको अच्छे से डेफिनेशन भी करवाई, स्टेप्स भी समझा दिए और इससे रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स थी वो भी मैंने आपको करवा दी। सो बेटा आप लोग इसे खुद घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस और नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।